वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित राज्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? 29 और 7। 29 और 7। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? अवित्तीय विधेयकों को 6 माह तक रोक सकती है राज्य सरकार। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते कहाँ पर अंकित होता है? सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिकता मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? 24 जनवरी 1950 को। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। भारत के संविधान का भाग थर्ड संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग थर्ड। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 545 लोकसभा की सीटों की संख्या है। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार लोकसभा का सत्र एक वर्ष में बुलाया जाता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत में मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो पड़ सकता है 6 माह के बाद। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? संसद। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है भारतीय संविधान के अनुसार। भारत की राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए वह किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष उसकी आयु हो जानी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद बनती है। इसके अंदर 2 सदन होते हैं। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में, 1927 में भारत की संसद का उद्घाटन हुआ था। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, उसके मेंबर हैं चेंज होते रहते हैं। कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हुए हैं? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हुए हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का प्रावधान नहीं किया गया? उप प्रधानमंत्री का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति है लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं हुए हैं, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि से समाप्ति से पूर्व पद हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में आवंटित होती हैं। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से संघीय व्यवस्थापिका को भारत के अंदर जाना जाता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है? वयस्क मताधिकार है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है कहीं भी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए भारत में राष्ट्रपति पद को चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि होती है, 5 वर्ष की राष्ट्रपति की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 42वें संशोधन में ये जोड़ा गया था। लोकसभा का नेता कौन होता है? इनमें से कोई नहीं होता लोकसभा का नेता।